उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक सैलून कर्मी ने ग्राहक के साथ बेहद घिनौनी हरकत की। उसने ग्राहक के चेहरे पर थूक लगाकर मसाज कर दिया। शक होने पर जब ग्राहक ने दुकान का सीसीटीवी फुटेज चेक किया तब ये बात सामने आई। इसके बाद ग्राहक ने कर्मचारी के खिलाफ सुशांत गोल्फ सिटी थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सैलून कर्मचारी ग्राहक के चेहरे पर थूक लगाकर मसाज कर रहा है। यह पूरा मामला सैलून में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। जब यह वीडियो सामने आया तो देखते ही लोगों को हैरानी हुई। इस घटना के विरोध में सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब ग्राहक ने संदेह होने पर दुकान में लगे सीसीटीवी को चेक किया। सीसीटीवी चेक करने के बाद पता चला कि जैद नाम का सैलून कर्मचारी उसके चेहरे पर थूक मिलाकर मसाज कर रहा था। ग्राहक ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी सैलून कर्मचारी के खिलाफ पुलिस में शिकायत की। पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने सैलून कर्मचारी जैद के खिलाफ सुशांत गोल्फ सिटी थाने में केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच पड़ताल के बाद सैलून कर्मचारी जैद को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।